देखो दोस्तों, आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे थे कि एक वीडियो बनाऊं कि हम अपने परफ्यूम्स को कैसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट बना सकते हैं, कैसे बहुत ज़्यादा उसको एक इनसेन परफॉर्मर बना सकते हैं। बात करेंगे इसके बारे में, तो बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अंदर, आप सभी को सलाम नमस्ते आदाब। स्वागत है आप सभी का हम सब के यूट्यूब चैनल अनबॉक्स हकीकत पर। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी एक परफ्यूम को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट बना सकते हैं, कैसे आप उसको एक इनसेन परफॉर्मर बना सकते हैं। देखिए, आप सबके पास परफ्यूम्स हैं, आप सभी परफ्यूम यूज़ करते हैं, और आप देखते हैं कि मतलब कोई भी रिकमेंड करता है, मैं भी क्यों ना रिकमेंड करता हूँ कि कोई परफ्यूम एक लॉन्ग लास्ट है, बट आप जब उसको वेयर करते हैं तो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती, उससे वो टाइमिंग नहीं मिलती, और आखिर में जाके वो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता है। तो देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसको करके आप किसी भी एक परफ्यूम को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट बना सकते हैं, इवन दो वो आपकी एक्सपेक्टेशन के ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। देखिए, होता क्या है कि आपके पास कोई भी सेंट हो, कोई भी परफ्यूम हो, डजन मैटर, सस्ता है या महंगा है, उसको लॉन्ग लास्ट बनाने के कुछ तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें हम बात करेंगे कि उसका बेस कैसे बनाए, उसमें हम बात करेंगे उस परफ्यूम को वेयर कैसे करें और कैसे वो बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके पास अगर कोई परफ्यूम है और वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आप उसकी परफॉर्मेंस को सुधारिए। वो सुधारने के लिए आपको क्या करना है कि अपने परफ्यूम को लगभग 24 से 48 घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर रख देना है। फ्रीजर में जब आप उसको रख देंगे, फिर आप 24 से 48 घंटे बाद उसको निकालिए और उसको एक कूल, ड्राई और ऐसी जगह पर रखिए जहां वो सनलाइट या हीट से बचा रहे। लगभग उसको 2 से 3 दिन वहां रखिए और फिर उसको बाहर निकालिए। अब फिर अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अब देखिए, फटाफट से बात करते हैं कि हम परफ्यूम का बेस कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको उसके लिए चाहिए होंगी दो चीज़ें अलॉन्ग विद योर परफ्यूम। आपके परफ्यूम के साथ में, आप जो भी परफ्यूम लगा रहे हैं उसके साथ में आपको दो चीज़ें चाहिए। मैं जो यूज़ करता हूँ बेस बनाने के लिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। देखिए, मैं एक यूज़ करता हूँ ऑलिव ऑयल बेस बनाने के लिए। बेस कैसे बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा, और मैं यूज़ करता हूँ कोई भी एक मॉइस्चराइजर। देखिए, सबसे पहले अपने को करना क्या है कि सपोज जैसे ये परफ्यूम है, मैंने इसको अपने रिस्ट पे वेयर किया, ये किया, एंड ऐसे ही सेम मैंने दूसरी वाली पे वेयर किया। अब देखिए, करना क्या है, जो अपना ऑलिव ऑयल है, फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये ऑलिव ऑयल के मैंने कैप खोल दिया, यहाँ ऊपर रखा, सिंपल, ये देखिए ये ऑयल आ गया। यहाँ पे जहाँ मैंने परफ्यूम को स्प्रे किया है वहाँ मैंने इसको हल्का सा ऐसे रब कर दिया, राइट। अब ऐसे ही मैंने इसको अपना लेफ्ट हैंड की फिंगर पे लिया और अपने राइट हैंड पे रब कर लिया। अब इसको मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब देखिए, मैं क्या करूँगा कि वही सेम फ्रेग्रेंस मैं अपने नेक पर वेयर करूँगा, पल्स पॉइंट पे। ये देखिए मैंने इधर किया और ये देखिए ये मैंने इधर किया, ये देख लीजिए, राइट। इसको करने के बाद वही सेम प्रोसेस अपने को करना है, ऑलिव ऑयल लेना है, और लेने के बाद में ये देखिए मेरी फिंगर पे आ गया है, और जहाँ मैंने परफ्यूम वेयर किया था यहाँ इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया। अब ऐसे ही इसको मैं अपनी दूसरी साइड पर इसको ऐसे लगा लूँगा, राइट। अब देखिए, ये इसका एक बेस छोटा सा तैयार हो गया। अब ये ऑलिव ऑयल क्या करेगा कि हमारी इस फ्रेग्रेंस को बांध के रखेगा, इसको टूटने नहीं देगा। अब देखिए क्या करना है, कोई भी जो आपके पास एक मॉइस्चराइजर है उसको आप अपने हैंड पे ऐसे हथेली पे ले लेंगे। हथेली पे लेने के बाद में अपने को करना क्या है कि जो भी अपना परफ्यूम है इसके दो स्प्रे इसके अंदर अपने को लेने हैं, एक एंड दो। देखिए, ये दो स्प्रे इसके अंदर आ जाएंगे, हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, राइट गाइस। देखो दोस्तों, अब ये मिक्स हो गया है। मिक्स करने के बाद में मुझे इस तरीके से लेना है, और देखिए पहले एक ये मैंने इसको लगा लिया है अच्छे से इस पे, और ऐसे ही मैं इसको अपने दूसरी तरफ भी लगाऊंगा। ये देखिए, जैसे मैंने अब इस पर लिया, अब इस पर लेने के बाद में मैं इसको दूसरी तरफ भी लगा दूंगा। तो गाइज, ये अपना
देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब जो बचा हुआ है उसको मैं इस तरीके से अपने दोनों फिंगर पे लूंगा, राइट। दोनों फिंगर पे लेने के बाद जो मैं यहाँ बेस बनाया था हमने, उस पर हमने इसको अच्छे से इस तरीके से लगा लेना है, राइट गाइस। अब देखो दोस्तों ये अपना बेस एकदम तैयार हो गया, राइट। अब ये बेस तैयार होने के बाद अपने को लगभग 20 से 30 सेकंड का वेट करना है। वो जब 20-30 सेकंड अपने पूरे हो जाते हैं तो अपना बेस बनके पूरा तैयार हो जाएगा। आप देख लीजिए अभी ये पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है अपना बेस। अब मैं अपनी फ्रेग्रेंस को लूंगा। अब आप देखिएगा इसका मजा, ये देखिए ये मैंने इधर लिया। अब मैं अपने दूसरे हैंड की रिस्पेस को लूंगा, ये देखिए ये मैंने इधर ले लिया, ठीक है। अब मैं अपने नेक पर लेता हूँ, मैंने ये लिया एंड मैंने ये लिया, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये तो रही अपने स्किन की बात, अब आपको गजब की होल डे इससे देखो लॉन्ग लास्टिंग मिलने वाली है। अभी तक आपने देखा होगा लोग बताते थे कि मॉइस्चराइजर लगाइए, कोई भी एक बेबी ऑयल लगाइए, वैसलीन लगाइए या कुछ भी, एक बेस क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट बेस ऐसे क्रिएट नहीं होता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले अपने परफ्यूम को लगाइए, फिर मैं ऑलिव ऑयल यूज करता हूँ, आप जॉनसन बेबी का ऑयल यूज कर सकते हैं, बट एकदम माइन्यूट लेवल में उसको हल्का सा लीजिए। अपनी फ्रेग्रेंस के ऊपर उसको लगाइए, अपने दोनों रिट्स पर और अपने पल्स पॉइंट पे। उसको लगाने के बाद में अपने कोई भी मॉइस्चराइजर को अपनी हथेली पे लेना है, पान पे लेने के बाद में एटलीस्ट जो फ्रेग्रेंस आप वेयर कर रहे हैं, जिसका बेस आपने यहाँ क्रिएट किया है ऑलिव ऑयल के साथ में, उसके दो पफ, उसके दो स्प्रे लीजिए, उसको अच्छे से उसमें मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद में अपने दोनों रिस्ट पर और अपने नेक पर उसको रब कर लीजिए अच्छे से। 20 से 30 सेकंड वेट कीजिए, वो अच्छे से सेटल हो जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। बेस बनने के बाद में अपना सेंट आप उस पर वेयर कीजिए। देखिए ये वेयर करने के बाद में अब वही सेम सेंट आपको क्या करना है, अपने कपड़ों पर लेना है। देखिए जनरली होता क्या है, देखिए एक एंड दो, ठीक है। अब दूसरे हैंड पर देखिए ये एक एंड ये दो। अब देखिए यहाँ फ्रंट की बात करूं, एक एंड दो, आप एक और स्प्रे करिए, देखिए ठीक है ना। अब यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात कपड़ों पे किए और एक दो तीन चार हमने यहाँ किए थे, बेस अपने पहले तैयार हो गया था। अब बहुत गजब की लॉन्ग लास्टिंग आपको मिलने वाली है। आप देखेंगे कि जो परफ्यूम आपका 4 से 5 घंटे चलता था, वो कम से कम 8 से 10 घंटे चलने वाला है, एंड दिस इज माई गारंटी टू यू। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा इस ट्रिक के साथ में। और देखिए कोशिश कीजिएगा कि एक मच्योर सेंट आपके पास हो, अगर मच्योर नहीं है तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उसको फ्रीज करिए। फ्रीज करने के बाद में वो देखिए जमेगा नहीं, डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला आपकी फ्रेग्रेंस। जैसे ब्लेंड टूट जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, तो वो जब हम उसको फ्रीजर में रखते हैं तो वो अच्छे से आपसी में ब्लेंड हो जाते हैं, और फिर उसको हम एक ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ वो धूप से बचे, सनलाइट से बचे, हीट से बचे, एक नॉर्मल टेम्परेचर में डायरेक्ट हीट के कॉन्टेक्ट में या लाइट के कॉन्टेक्ट में वो ना आए। इस तरीके से उसको रखिए, 2 से 3 दिन रखिए, फिर उसको आप यूज़ कीजिए। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से यूज़ कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। देखिए बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि बेस किस तरीके से बनाएं। तो ये थी वीडियो दोस्तों, अपना बेस कैसे बनाएं, कैसे तैयार करें, कैसे परफ्यूम को लगाएं। अभी तक ये बेस बनाने वाली इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं दी होगी, आपने बहुत सारी सर्चेस की होंगी बट इस तरीके से आपको नहीं बताया होगा कि हाउ टू मेक द बेस टू मेक अ परफ्यूम लॉन्ग लास्ट टिल द ऑल डे, राइट। तो दोस्तों देखिए ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अपना, लाइक हाउ टू मेक अ परफ्यूम लॉन्ग लास्ट टिल द होल डे एंड हाउ टू मेक इट लाइक इनसेन परफॉर्मर। देखिए जैसा मैंने आपको बताया है आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, और आई एम प्रेटी श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करेंगी। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा लोगों को इस ट्रिक के बारे में पता लग सके। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूँगा, कुछ टिप्स ट्रिक्स भी देता रहूँगा और नए नए फ्रेग्रेंसेस के बारे में आपको बताता भी रहूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।